डेमोक्रेसी निकला कहां से? तो वो कहते हैं डाइनिंग टेबल से। और यहां पर अगर कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होगा तो उसको ये पढ़ाया जाता है भारत में। इस पर सवाल पूछे जाते हैं, 100 नंबर का प्रश्न पत्र आता है, उसमें 20 नंबर का सवाल होता है कि यूरोप का प्रजातंत्र कहां से निकला, विस्तार से वर्णन करिए, 20 नंबर का सवाल है बीए और एमए। तो उसका उत्तर यह है कि यूरोप का प्रजातंत्र डाइनिंग टेबल से निकला, खाने की मेज से प्रजातंत्र की शुरुआत हुई है। ये सारे फिलोसोफर्स और हिस्टोरियंस इसको मानते हैं। अब खाने की मेज तो निजी जीवन का हिस्सा है, प्राइवेट लाइफ का हिस्सा है, लेकिन डेमोक्रेसी पब्लिक लाइफ का हिस्सा है। तो निजी जीवन में जो आप डाइनिंग टेबल पर करते हैं वो सार्वजनिक जीवन में करने लगे तो उसी को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं। दुर्भाग्य से हमने इसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बिना सोचे समझे स्वीकार किया है। गांधी जी इसके बहुत खिलाफ थे, लेकिन गांधी जी को मानने वालों ने गांधी जी की बात मानी नहीं। गांधी जी कहते थे कि अंग्रेजों को विदा किया है तो इनकी अंग्रेजियत को भी विदा कर दो साथ में, इस अंग्रेजियत से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। हमने अंग्रेजों को विदा कर दिया लेकिन उनकी अंग्रेजियत को संभाल के रख लिया, और उसमें सबसे बड़ी अंग्रेजियत है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र, जो यूरोप में निकला है डाइनिंग टेबल से।